हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम गुणसूत्र या क्रोमोसोम के बारे में अध्ययन करेंगे। गुणसूत्र क्या है या क्रोमोसोम क्या है या इसका क्या कार्य है, इसके बारे में हम जानते हैं। अब तक हमने कोशिका सीरीज में कोशिका के अंगकों के बारे में पढ़ा है, और पिछले वीडियो में हम लोगों ने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा, केंद्रक के बारे में पढ़ा, और केंद्रक में क्या पाई जाती है, आनुवंशिक इकाई या जो हमारे माता पिता के जो लक्षण होते हैं वही लक्षण बच्चों में भी आते हैं। कभी कभी आपने देखा या सुना है, कभी कभी कोई लोग आपको टोकते हैं कि अरे आपका चेहरा तो आपकी मम्मी से मिलता है, या आपके बोलने का स्टाइल आपके पापा की तरह है, या आपकी आँखें आपके पापा की तरह है, या आपकी जो चेहरा है या बॉडी स्ट्रक्चर है वो आपके मम्मी या पापा पर गया है। कभी कभी लोग आपको देखकर ही पहचान जाते हैं कि आप फलाना के बेटा बेटी हैं। तो ऐसा क्यों होता है, कभी आपने सोचा है? तो चलिए हम उसी चीज़ के बारे में पता करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है, हम अपने माता पिता की तरह ही क्यों दिखते हैं। तो चलिए आज इसके बारे में हम क्रोमोसोम के बारे में हम थोड़ी सी सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं। गुणसूत्र क्रोमोसोम। एक सामान्य कोशिका के केंद्रक में क्रोमोसोम महीन लंबे तथा कुंडली धागे के समान होता है। अगर हम कोशिका के अगर देखें, केंद्रक को देखें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, तो उसमें क्रोमोसोम जो होते हैं वो काफ़ी महीन लंबे और पूरे उलझे हुए धागे के समान होते हैं, लेकिन वही कोशिका विभाजन के समय ये अस्पष्ट रूप से दिखाई फिर देने लगते हैं। क्रोमोसोम के भाग। क्रोमोसोम के तीन भाग होते हैं, एक पेलिकल, दूसरा मैट्रिक्स और तीसरा क्रोमेटिड्स। जैसे कि आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं, यह क्रोमोसोम का सामान्य स्ट्रक्चर है। इसके बाहरी आवरण को क्या कहते हैं जिससे क्रोमोसोम घिरी हुई होती है, यह मुख्यतः बेलनाकार टाइप की होती है, जैसे बेलन होता है ना उसी तरह से यह बेलनाकार साइज की होती है। और इसके बाहरी आवरण को क्या कहते हैं, इसके बाहरी आवरण को पेलिकल कहते हैं। और यह बाहरी आवरण जो जिसको घेर के रखा है, इसके अंदर के भाग को क्या कहते हैं, इसके अंदर के भाग को क्या कहेंगे, मैट्रिक्स कहेंगे। और इसके शीर्ष भाग को हम क्या कहेंगे, टीलोमियर कहेंगे। और यहाँ जो थोड़ा सा देख रहे हैं ये अंदर धंसा हुआ ये भाग, इसको कहते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। क्रोमोसोम में जो ये दो धागे की तरह दिखाई दे रही है लंबी शुरू से लेकर अंत तक समानांतर रूप से, इसको क्रोमेनिमेटा कहते हैं। और ये एक जगह और धंसा हुआ है, इसको प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं। और ये दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, इसको क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर। तो ये हमारा क्रोमोसोम का सामान्य चित्र है। तो हम लोगों ने जाना कि क्रोमोसोम का बाहरी आवरण क्या कहलाता है, पेलिकल कहलाता है, और पेलिकल के अंदर जो भाग रहता है उसको मैट्रिक्स कहते हैं, इसे मैट्रिक्स कहते हैं। और मैट्रिक्स में दो समांतर कुंडली धागा टाइप रचना होती है जिसे अर्ध गुणसूत्र या क्रोमेटिड्स कहते हैं। ये जो देख रहे हैं आप, दो धागे की तरह दिखाई पड़ रही है कुंडली पूरा उलझा हुआ इस तरह से, इसको क्या कहते हैं, अर्धसूत्र या क्रोमेटिड्स कहते हैं। क्रोमेटिड्स या अर्ध गुणसूत्र के महीन धागों को क्या बोलते हैं, क्रोमेनिमेटा। मतलब जो इसमें दो धागे दिख रहे हैं इनमें से एक धागा जो है उसको क्या बोलेंगे, क्रोमेनिमेटा। और ये जो क्रोमेटिड्स है इसके डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। ये जो दिख रहे हैं आप इस तरह से लंबे धागे नुमा संरचना, ये क्रोमेटिड्स है और ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बने होते हैं। डीएनए अणु के खंड ही जीन होते हैं। और ये हम इसको अगर विस्तृत रूप से अगर इसको और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें इसको, तो इसमें छोटे 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 खंड दिखाई पड़ते हैं, और इस खंड को ही क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। ये हम देखें तो पूरे दाने की तरह, छोटे छोटे दानों की तरह जुड़े हुए दिखाई पड़ेंगी, और इस दाने समान जो संरचना होती है वो जीन कहलाती है। क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड्स एक स्थान पर सेंट्रोमियर के द्वारा जुड़े रहते हैं। सेंट्रोमियर है ये, और इसके द्वारा ही ये
जुड़े हुए रहते हैं। और सेंट्रोमियर का काम काफ़ी आगे चलकर कोशिका विभाजन के वक्त ये दो भागों में बट जाता है और इसको ये दोनों भागों को वो जोड़े रखता है। सेंट्रोमियर जो होता है क्रोमोसोम का आकार निश्चित करता है और कोशिका जो विभाजन होती है उस वक्त क्या करता है, स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण करता है ताकि दोनों जो क्रोमेटिड्स है उसके एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। सेंट्रोमियर के कारण ही क्रोमोसोम दो भागों में बट जाता है। यहाँ पे चित्र में देख रहे होंगे कि सेंट्रोमियर है और सेंट्रोमियर के कारण ही उसके जो आर्म्स होते हैं वो दो भागों में बट जाते हैं और इन दोनों भागों को क्या कहते हैं, इसको बाहु या फिर आर्म्स कहते हैं। और दोनों आर्म्स के बीच एक संकुचन होता है जिसे प्राथमिक संकुचन या प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं या सेंट्रोमियर भी उसको कहते हैं। ये देख रहे होंगे कि यहाँ थोड़ा सा धंसा हुआ है ये दोनों आर्म्स इसके, इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन या सेंट्रोमियर इसको कहते हैं। इसमें कभी कभी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी पाया जाता है आर्म्स में। और क्रोमोसोम का शीर्ष भाग जो होता है वो टेलोमियर कहता है। हम लोगों ने देखा कि इसका सबसे ऊपर वाला भाग क्या कहते हैं, टेलोमियर। कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं, अब हमने ये क्रोमोसोम के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की कि लेकिन कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो सभी जीवों के सेल्स में के केंद्रक में जितने सारे भी जीव जंतु हैं सभी के कोशिका के केंद्रक में यह पाई जाती है, क्रोमोसोम पाई जाती है और उसमें क्रोमोसोम की संख्या निश्चित होती है। ऐसा नहीं है कि क्रोमोसोम की संख्या निश्चित नहीं होती है, हर जीव जंतु में उसके कोशिका के केंद्रक में जो होती है क्रोमोसोम उसकी संख्या निश्चित होती है। यहाँ कुछ उदाहरण है, जैसे कि मानव में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं यानी कि 23 जोड़े। हाँ, एक और बात कि क्रोमोसोम जो होते हैं वो हमेशा जोड़े में ही होते हैं, तो हमारे अंदर ह्यूमन के अंदर कितनी पाई जाती है, 23 जोड़े। ड्रोसोपिला जो मक्खी होती है उसमें 8 क्रोमोसोम होते हैं, मकई में 20 क्रोमोसोम होते हैं, टमाटर में 24 पाई जाती है, आलू में 48 पाई जाती है, मटर में 14 पाई जाती है। तो इस तरह से विभिन्न विभिन्न जीव जंतुओं में पेड़ पौधों में विभिन्न विभिन्न संख्या में क्रोमोसोम की संख्या पाई जाती है, लेकिन यह जो क्रोमोसोम होती है यह हमेशा जोड़े में पाई जाती है। अब ये जो जोड़े में पाई जाती है तो जोड़ों में क्रोमोसोम समान होते हैं, मतलब जिस अगर मान लेते हैं ये एक जोड़ा है तो ये जो दोनों जो क्रोमोसोम है ये क्या होते हैं, समान जाति के होते हैं। इनका जो गुण धर्म जो भी स्ट्रक्चर होता है वो समान होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, समजात यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। ऐसी क्रोमोसोम समूह जिसमें दोनों समजात क्रोमोसोम होते हैं डिप्लॉयड कहलाते हैं। अब ऐसे क्रोमोसोम का समूह जिसमें दोनों ही समजात क्रोमोसोम होते हैं उसको क्या कहते हैं, डिप्लॉयड क्रोमोसोम कहते हैं। लेकिन शुक्राणु और अंडाणु में क्रोमोसोम की संख्या कायिक सेल यानी कि जो हमारे देहिक जो कोशिका है के क्रोमोसोम की आधी होती है, यानी कि शुक्राणु और अंडाणु में क्रोमोसोम की संख्या जो होती है वो कायिक कोशिका के क्रोमोसोम की आधी होती है यानी कि हैप्लॉइड कहलाती है। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होती है, डिप्लॉइड और हैप्लॉइड क्रोमोसोम के बारे में हम डिटेल से जब कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ेंगे तब उसके बारे में हम डिटेल से इसका अध्ययन करेंगे। जाना कि क्रोमोसोम क्या है, कि सभी कोशिका के केंद्रक में क्रोमोसोम पाई जाती है और यह कोशिका विभाजन के टाइम में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। इसके तीन भाग होते हैं, पेलिकल, मैट्रिक्स और क्रोमेटिड्स। इसकी तीन भाग होती है, पेलिकल जो बाहरी आवरण होता है और वो मैट्रिक्स को घेरे रहता है और उसके अंदर पतले धागों के समान दो क्रोमेटिड्स पाए जाते हैं और उसकी एक संख्या को क्या बोलते हैं, क्रोमेनिमेटा कहते हैं। और इसमें संकुचन टाइप की हम यहाँ पे देख रहे होंगे, एक यहाँ संकुचन है या एक यहाँ संकुचन है, तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी संकुचन इसमें पाई जा सकती है। और क्रोमेटिड्स जो होती है वो किसकी बनी होती है, क्रोमेटिड्स जो बनी होती है वो डीएनए और
डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन की बनी होती है और डीएनए के एक अणु के खंड को ही जीन कहते हैं और यही जीन जो होते हैं माता पिता के गुण पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बच्चों में पहुंचाई जाती है। यानी कि आपका चेहरा, आपका व्यवहार या आपकी बातें जो आपके माता पिता से मिलती है, जो भी आपके गुण आपके माता पिता से मिलते हैं वो इसी जीन के द्वारा ही मिलती है। इसी क्रोमोजोम में जो डीएनए पाया जाता है उसी डीएनए के एक सेगमेंट, एक खंड में, खंड को क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं, और इसी जीन में वो सारे गुण मौजूद होते हैं जो माता पिता में होते हैं और माता पिता के द्वारा हमारे अंदर हम बच्चों में ये गुण जीन के द्वारा पहुंच जाते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही।